तो अभी पेट्रोल को फिल कराते हैं, देखते हैं कितना तेल आता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ काफ़ी लंबी राइड पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव की साइड, क्योंकि होली भी आने वाली है, तो छुट्टी थी तो इसलिए मैं घर को निकल पड़ा हूँ। तो अभी शाम के हो रहे हैं 4:30, तो देखते हैं कब तक कवर कर पाते हैं घर को, क्योंकि अब दिन भी बड़े हो चुके हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और मौसम भी बढ़िया है। तो आई होप कि हमारी राइड अच्छी रही आज। और पीछे बैठ रखा मेरे साथ शुभम भाई, तो आज हम दोनों बाइक नहीं लाए क्योंकि फ्यूल भी काफ़ी महंगा हो चुका है, तो इसलिए हम एक ही बाइक को लेके आए आज। तो अभी मैंने फ्यूल फिल करवाया बाइक में, तो 950 का फ्यूल पड़ा इसमें, क्योंकि 300 या 400 का पहले से था और 565 का अभी पड़ा। तो देखते हैं कैसा एवरेज देती है बाइक। तो अभी हमने ये मखमपुर का फ्लाईओवर क्रॉस कर दिया है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बानीवाला। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं योगनगरी ऋषिकेश। और ये सामने रेलवे लाइन देख सकते हैं आप, तो काफ़ी जल्द हमारे गढ़वाल में भी रेलवे दौड़ेंगी। तो अपन लोग आज बाईपास से नहीं जाएंगे, सीधे सामने से ही जाएंगे, क्योंकि बाईपास से काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है। गाइस, फाइनली ऋषिकेश क्रॉस कर दिया है। और भाई लोगों, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था कर रहा। और ऊपर से गर्मी भी काफ़ी है, क्योंकि धूप देख ही सकते हैं आप, काफ़ी तीखी धूप लग रही है। तो गाइस, फाइनली हम ऋषिकेश के ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं और बिल्कुल अच्छी रोड मिल चुकी है हमें, अच्छे बोले तो बिल्कुल खुली रोड। तो अब भगाएंगे यहाँ पर बाइक। काफ़ी टाइम से हालत ख़राब हो चुकी थी यार ट्रैफिक से। तो आप भी राइड को पूरा पूरा एंजॉय कीजिए। अभी हम शिवपुरी पहुंचने वाले हैं। काफ़ी रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं गाड़ी वाले, इसलिए बिल्कुल केयरफुली चलना पड़ेगा। तो गाइस, अभी मैं आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाऊंगा। yeah.
गाइस अभी हो चुके हैं 5:30। तो 1 घंटे में हमने देहरादून से अभी कोडियाला तक, कोडियाला नहीं बोलते यार, ये ब्यासी से आगे आ चुके हैं हम। अरे भाई, भाई 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 क्या कर रहा है, ऐसा कौन करता है यार, वो भी इतनी चढ़ाई पे ओवरटेक मार रहा भाई, माननी पड़ेगी बात। और यार क्या मजा आ रहा है लीन वगैरह करने में। और ये पहाड़ों के नज़ारे देख सकते हैं आप, काफी सुंदर नज़ारे हैं भाई। और बाइक का साउंड इतना प्यारा निकल रहा ना, मैं बता नहीं सकता आपको, बताने क्या आप सुन सकते हैं साउंड। तो ये तोता घाटी है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अभी। तो अभी बिल्कुल खाली रोड है इसलिए कोई डर नहीं है, ये हम मंगा ही रहे हैं। बस आप इंजॉय कीजिए यार। NS काफी क्रेजी मशीन है यार। पावर और पिकअप इतनी भयंकर है इसकी, क्या बताऊं आपको, ये पावर देख सकते हैं आप। हाय हाय मेरी NS। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसका स्टैंड टकर गया था भाई नीचे। बस NS की एक, NS में बस एक ही कमी है, इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो इसलिए ये कॉर्नरिंग पे नीचे टकर जाती है, अदरवाइज पिकअप पावर अल्टीमेट है भाई। तो गाइस अभी एक्सपल्स वाले भैया काफ़ी रेस कर रहे हैं मेरे साथ, और चल मेरी NS। चलो गाइस मैं आपको सीधा देवप्रयाग में मिलता हूँ। तो गाइस बाबा केदारनाथ की कृपा से तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग में। एक छोटा सा रेस्ट लेंगे अभी अपने यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंटिन्यू चले रहे हैं, अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया हमने। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा रेस्ट लेते हैं। तो गाइस आज अपन ने बाइक को कुछ ज़्यादा ही कुत्ता बना दिया, वही होता है ना यार, जब खुला रोड दिखती है तो स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ी जाती है। पर काफ़ी अच्छा मज़ा आया आज। तो गाइस आप पूरा पूरा एंजॉय कीजिए। एक्सीलेटर तो भाई मेरा पूरा फुल खोल रखा है, फुल पूरी फाड़ दिया है गाड़ी आज।
फाइनली हमने इनको क्रश कर दिया है। गाइस आप लोग बिल्कुल ट्राई ना करें, मुझे इस रोड का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं आता रहता हूँ इस वाली रोड पे, और मुझे पता है कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे गड्ढा नहीं है, इसलिए मैं कितनी हाइपर राइडिंग कर पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ट्राई ना करें। तो गाड़ी तो खींचते हैं जरा यहाँ पे, भाई साहब मैं सीधा मिलता हूँ आपको श्रीनगर में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। तो गाइस अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल, और यहाँ पे चहल पहल देख सकते हैं आप, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। तो गाइस अंधेरा काफ़ी हो चुका है जैसे आप देख ही रहेंगे आगे, तो आज घर पे गाली पड़ने वाले हैं हमें। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने रुद्रप्रयाग शहर में, कौन यार 5 किलोमीटर अभी और है हमारा तिलवाड़ा मार्केट, तो ये देख सकते हैं आप रुद्रप्रयाग मार्केट, अभी भी दुकानें खुली हैं यहाँ पे, तो अभी हो रहे हैं 7:30, तो काफ़ी अच्छा कवर कर दिया हमने, और यहाँ पे चहल पहल उतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है जितनी श्रीनगर में थी। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पर, आई होप कि आपको आज की जर्नी मेरी पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इसी प्रकार मिलते हैं आपको किसी नए मोटो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय उत्तराखंड। और बाइक को रखते हैं गैरेज में।